बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। तो स्टूडेंट, इसके बारे में पहले ही हम जान चुके हैं और आज हम एग्जांपल 22 करते हैं। 22 एग्जांपल में दिया है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 32 एंड 48। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में हम क्या फाइंड करेंगे? We will find the HCF and LCM. We will find the HCF and LCM of given number 32 and 48 by using prime factorization method. मेथड हमारे पास फर्स्ट गिवन नंबर है। अगर आप डाटा बनाना चाहें तो लिख लें ऐसे फर्स्ट गिवन नंबर, वरना जरूरत नहीं है। फर्स्ट गिवन नंबर इज इक्वल टू 38 और फिर सेकेंड गिवन नंबर इज इक्वल टू 48। अब स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ऐसे लिखेंगे 32 और 48। ये देखें, स्मॉलेस्ट नंबर पे हम डिवाइड करते हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 वन ज़ार 2, 1 इसके साथ अटैच होगा तो 2 सिक्स ज़ार 12, फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 एट ज़ार 16, फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 फोर ज़ार 8, फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 टू ज़ार 4, फिर 2 पे डिवाइड होगा तो 2 वन ज़ार 2। स्टूडेंट, ये वैसे भी आपको लर्न हो जाते हैं। अगर 32 62 का करना हो तो कितने टाइम्स ये 2 पे डिवाइड होगा, तो ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 टू ज़ार 4, 2 फोर ज़ार 8, फिर 2 वन ज़ार 2, 2 टू ज़ार 4, 2 को अगर 6 टाइम पढ़ें, 2 सिक्स ज़ार 12, 2 थ्री टाइम ज़ार 6 और 3 वन टाइम ज़ार 3। तो ये तो थे इसके प्राइम फैक्टर। फिर हम इधर लिख लेंगे डिटेल से प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ये शॉर्ट है PF, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये 5 2 हैं, 1 2 डिवीजर, यानी 5 डिवीजर्स हैं, तो 5 2 लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5। फिर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 आर कौन कौन से हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये 1 2 3 4 तो 2 हो गए और एक 3 आ गया हमारे पास। अब हम इसको लूप कर लेंगे, जो कॉमन फैक्टर हैं उसको लूप कर लेते हैं। ये जो हम सर्कल करते हैं इसको लूप करना कहते हैं। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन सबसे बेहतर है कि इसमें मिस्टेक नहीं होती, ये आपने लूप कर ली। अब कॉमन फैक्टर पहले लिखेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स आर 2 2 2 2, और फिर लिखेंगे नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स आर 2 3। अब हम इसको फाइंड करते हैं HCF को। HCF का फार्मूला होता है स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब इसका आंसर भी आगे लिख लेते हैं, 2 टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8 और 8 टू ज़ार 16 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे LCM। LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन का तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, पहले ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन, तो हमारे पास प्राइम फैक्टर ये 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया। तो ये तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, 16 मल्टीप्लाई 3 टू ज़ार 6 इज इक्वल टू 96 आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट, हमने HCF और LCM फाइंड कर लिया और रिलेशन हमने पढ़ा था कि HCF मल्टीप्लाइड LCM इज इक्वल टू रिलेशन
बिटवीन HCF एंड LCM. क्या था? HCF मल्टीप्लाइड LCM यानी प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर. अब LCM हमने फाइंड किया है 16 और LCM फाइंड किया है 96 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर. गिवन नंबर क्या है हमारे पास? 32 मल्टीप्लाइड 48. अब इसको मल्टीप्लाइड करते हैं और इसको भी मल्टीप्लाइड करते हैं. दोनों को जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1536. 1536 इज इक्वल टू 1536. अब बोथ साइड्स आर इक्वल, तो ये था इसका रिलेशन. हमने फाइंड कर लिया कि LCM और HCF को मल्टीप्लाइड किया और प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर को किया तो सेम आंसर आया. इसका मतलब ये हुआ कि HCF और LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर के, यानी गिवन नंबर के मल्टीप्लीकेशन जो आंसर आएगा. अब अगर इसको वेरीफाई करना चाहें तो ये देखें, वर्टिकल फॉर्म में आप 96 लिखेंगे और 16 से मल्टीप्लाइड करेंगे. 6 6 ज़ार 36, 6 ये 3 ऊपर आ जाएगा, 6 9 ज़ार 54 54 54 और 3 57 आ जाएगा. अब 1 ये स्किप कर देंगे, 1 6 ज़ार 6, 1 9 ज़ार 9 प्लस कर लेते, 6 7 और 6 13, 1 इस पे आ जाएगा और ये 6 और 9 15 15 अंदर 36 आ गया. और इसी तरह 48 को 32 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 8 ज़ार 16, 1 इस पे आ जाएगा, 2 4 ज़ार 8 और 1 9, फिर क्रॉस 3 8 ज़ार 24, 2 आ जाएगा और 3 4 ज़ार 12 और 2 14. ये प्लस किया, 6 आ गया, 9 और 4 13, 1 इस पे आ जाएगा, 4 और 1 5 और ये 1 आ जाएगा. तो स्टूडेंट देखा, बोथ साइड्स आर इक्वल. तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको इसकी समझ आ गई होगी. प्रैक्टिस करें और इस फार्मूला को हमेशा याद रखें कि HCF मल्टीप्लाइड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर. तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.